हेलो स्टूडेंट आज हम पैरामीटर्स और एरिया के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पैरामीटर्स एंड एरिया कैसे फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड द पैरामीटर्स एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होज लेंथ इज़ 5.2 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 2.3 मीटर ये आपका रेक्टेंगल है रैक्ट की लेंथ आपको दी है क्वेश्चन में फाइव पॉइंट टू मीटर एंड ब्रेथ आपको दी है टू पॉइंट थ्री मीटर ये फाइव पॉइंट टू मीटर है तो ये साइड भी फाइव पॉइंट टू मीटर होगी क्योंकि रैक्ट एंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं इधर आपकी टू पॉइंट थ्री मीटर है तो इसकी अपोजिट साइड ए डी ये भी टू पॉइंट थ्री मीटर है तो देखिए सबसे पहले पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है टू लेंथ प्लस ब्रेथ मैंने पिछले वीडियो में इसको फॉर्मूले को सॉल्व करके बताया है पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं आप पिछली वीडियो देख सकते हैं तो ये फॉर्मूला है टू लेंथ प्लस ब्रेथ तो लेंथ आपको दिए फाइव पॉइंट टू मीटर तो इस फॉर्मूले में पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ टू लेंथ के स्थान पर फाइव पॉइंट टू ब्रेथ के स्थान पर टू पॉइंट थ्री फाइव पॉइंट टू प्लस टू पॉइंट थ्री इसको ऐड कर दीजिए थ्री एंड टू फाइव डेसिमल फाइव और टू सेवन अब इसमें टू ब्रैकेट के बाहर लिखा है इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई करना है टू का सेवन पॉइंट फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई फिफ्टीन पॉइंट ज़ीरो आ जाएगा और देखिए पॉइंट के बाद जीरो का कोई मेंस नहीं होता कोई मतलब नहीं होता तो आपका फिफ्टी ही माना जाएगा यानी फिफ्टीन मीटर ये आपकी पैरामीटर हो गई दैट इज योर आंसर अब इसके बाद स्टूडेंट आपको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ लंबाई इनटू चौड़ाई तो लेंथ आपको दी है फाइव पॉइंट टू और ब्रेथ आपको दी है टू पॉइंट थ्री मीटर स्टूडेंट फाइव पॉइंट टू एंड टू पॉइंट थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलेवन पॉइंट नाइन सिक्स स्क्वायर मीटर एरिया की जो यूनिट है वो स्क्वायर होती है इसलिए मीटर पर स्क्वायर लगाना ज़रूरी है ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड हो गया दैट इज़ योर आंसर चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू है फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर होज साइड इज 5.2 मीटर तो देखिए स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं एक साइड आपको 5.6 मीटर दी है तो इसकी फोर साइड 5.6 मीटर की होगी यहाँ भी 5.6 मीटर लिख दीजिए इधर भी 5.6 मीटर अब इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले इसका पैरामीटर्स फाइंड करेंगे ए स्क्वायर का तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है पैरामीटर्स ऑफ स्क्वायर तो देखिए पैरामीटर्स ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में प्रूव कराया है अभी मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है फोर इंटू साइड तो फोर इंटू साइड आपको दी है फाइव पॉइंट सिक्स फाइव पॉइंट सिक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए ट्वेंटी टू पॉइंट फोर मीटर ये आपकी पैरे होगी स्क्वायर की अब इसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर फाइन करना है पैरामीटर्स एंड एरिया ये दो चीज फाइन करके लानी है अब इसका एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड साइड आपको दी है फाइव पॉइंट सिक्स इंटू फाइव पॉइंट सिक्स फाइव पॉइंट सिक्स का फाइव पॉइंट सिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी वन पॉइंट थ्री सिक्स अब यहां भी एरिया है तो मीटर के ऊपर स्क्वायर जरूर लगाएंगे यानी थर्टी वन पॉइंट थ्री सिक्स स्क्वायर मीटर ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड होके आ गया और यही आपका आंसर है अब इसके बाद स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन थर्ड है आपका द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज टू फोर्टी एट मीटर फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर देखिए आपको स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो देखिए इसमें एरिया कौन सा होगा ये तो आपकी सभी साइड हैं स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं एरिया फाइंड करना है ये वाला पार्ट ये आपका एरिया है इसको फाइंड करके लाना है तो सबसे पहले आपको दिया क्या है गिवन में दिया देखिए पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पैरे ऑफ स्क्वायर पैरेमीटर ऑफ स्क्वायर इजुकल टू आपको दिया है टू फोर्टी एट मीटर अब पैरेमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है फोर इंटू ए यानी स्क्वायर की पैरामीटर फोर ए होती है इजुकल टू में आपको दिया टू फोर्टी एट देन ए इज उकल टू ए की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो टू फोर्टी एट अपॉन फोर नीचे आ जाएगा फोर से इसमें डिवाइड कर दीजिए सिक्सटी टू बार हो गया तो आपको एक ही वैल्यू सिक्सटी टू मीटर फाइंड होके आ गई अब जब एक ही वैल्यू निकल आई तो फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर अब एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए साइड इनटू साइड साइड आपकी सिक्सटी टू मल्टीप्लाई सिक्सटी टू सिक्सटी टू का मल्टीप्लाई सिक्सटी टू में करेंगे तो आपका थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी फोर स्क्वायर मीटर ये आपका आंसर हो गया तो स्टूडेंट इस प्रकार के तीन क्वेश्चन मैंने पैरामीटर्स ऑफ एंड एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं इसमें आपको फॉर्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है पैरामीटर्स का फॉर्मूला क्या होता है एंड एरिया का फॉर्मूला क्या होता है तो इस प्रकार से थ्री न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिए हैं इसके आगे वाले न्यूमेरिकल मैं आगे वीडियो में सेंड करूँगा प्रॉब्लम को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं यदि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें वेल आइकन दबा दें तो जो भी वीडियो बनेगा अपलोड होगा तुरंत आपके पास पहुंचेगा थैंक यू